एक उम्र के बाद फिजिकल नीड्स होती है और पूरी करनी पड़ती है जब मन होता है तब होना अगर नहीं करोगे तो क्या होगा योरबल ऑथेंटिको सब्सक्राइब दिसल एंडल आईकन एंड यू नेगेन बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई कभी एक्चुअल सेक्सुअल एक्सपोजर भी नहीं हुआ और पिछले कोई महीनों से मास्टरबेशन भी बंद कर रखा है मगर उन्हें लगता है उनको इरेक्शन होगा ही नहीं तो आते हैं दवा लेने फिर हम कहते हैं दवा लेके करोगी क्या मास्टरबेशन आपने करना नहीं है शादी हुई नहीं है तो फिर करोगी क्या दवा लेके क्या करोगी <laughs> ये क्या बात है हैगिरी सो वी आर टॉकिंग अबाउट इरेक्शन प्रॉब्लम्स कई सारे लोग एक्चुअली इरेक्शन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और कई सारे लोगों को सिर्फ लगता है कि उन्हें इरेक्शन प्रॉब्लम है लेकिन नहीं है कई सारे लोग आते हैं जिनको या तो इरेक्शन एक आधी बार नहीं हो पाया या एक बार इंबेरस हो गए उस वजह से लेट मी टेल यू अ स्टोरी तब आपको सिम्टम समझ में आएगा और सही कारण समझ में आएगा देखने का नजरिया आएगा बेसिक ये एक्चुअली बात लिटरली हर जो पेशेंट यहाँ आके बैठता है हमारे पास क्लिनिक में हम उसे बताते हैं कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हो बढ़िया खेलते हो अच्छा खेलते हो और अच्छे खेलने वाले को फिर आगे और बड़ी टीम में लिया जाता है और बड़ी टीम में लिया जाता है आप, आप रणजी खेल लिए आप बढ़िया खेल लिए और एक दिन आपको मौका मिल गया इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का भाई साहब और आप गए बल्लेबाजी करने सबसे पहले और पहली ही बोल में आप हो गए बोल्ड क्लीन बोल्ड पूरा मिस बताइए तो कैसा लगेगा आपको कैसा लगेगा आपको सोचिए बहुत ज्यादा बुरा लगेगा पहला मौका पहली बॉल पहली बॉल में आप बोल्ड सो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा इतना बुरा लगेगा कि हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाओ हो सकता है आप फिर बल्ला ना उठा पाओ हो सकता है आप कुछ महीने क्या काफी टाइम तक खेलना ही ना जाओ कई लोग नहीं जाएंगे कई लोग मैदान पे भी नहीं उतरेंगे कई लोग शर्म के मारे अपना मुंह भी नहीं दिखाएंगे किसी को तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ सभी लड़कों के साथ अगर कभी वो उस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एकदम फेल हो जाते नहीं कुछ कर पाते तो वो इतनी शर्मनाक सी बात हो जाती है उनके लिए कई बार इतनी इम्पेरिसिंग मोमेंट हो जाती है कि उसके बाद उसके बारे में सोचना भर मुश्किल हो जाता है कई बार और इस फीलिंग को वो इलेक्ट्राइल मान के जगह जगह इधर उधर घूमते रहते हैं डॉक्टरों के पास दवाई लेते रहते हैं लेकिन क्या एक्चुअली में इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन है ये क्या ये है क्या उस पर्सन को जिसने जो पहली बॉल पे बोल्ड हो गया उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता आता है बिल्कुल आता है तभी तो वहां तक पहुंचा भी अच्छा खेलता तभी वहां तक पहुंचे तो फिर आप में क्या कमी है यहां पर जो बात बताने वाली है वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर रीजन एंड द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज इज परफॉर्मेंस एंजाइटी इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज लैक ऑफ इंटरेस्ट जो समझना आपको जरूरी है ठीक है ऐसे भी लोग हैं जो बुढ़ापे तक जवान रहते हैं ऐसे भी लोग हैं जो बुढ़ापे तक बच्चे पैदा करते हैं पुराने जमाने में हजार हजार रानियां होती थी राजो की और पता नहीं कितने 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 बच्चे होते थे सो so, ऐसा तो है नहीं कि पुराने जमाने में ही होता था ये सब आज के जमाने में नहीं सो यस देर इज बिग पार्ट ऑफ द डिजीज विच इज देर इन योर माइंड ठीक है बाकी बीमारियां जरूर बाहर हो सकती हैं तो सिम्टम नंबर वन जो है वो दिमाग में होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट सिम्टम बिगेस्ट साइन जो आपको देखना है कि अगर आपको ऐसा कुछ हुआ है उसके बाद से ऐसा लग रहा है तो चिंता मत करिए और दूसरी तरीके के, के कैटेगरी में लोग आते हैं जिनका कभी एक्चुअल प्रॉपर एक्सपोजर ही नहीं हुआ जी हाँ जिनकी शादी नहीं हुई जिन्होंने कभी एक्चुअली में सेक्स किया ही नहीं है फिर भी उनको लगता है उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है क्यों क्योंकि तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा मैस्ट्रोवेट कर लिया क्योंकि तो उन्होंने थोड़ी ज्यादा वीडियो देख ली थोड़ी ज्यादा लोगों की बात सुन ली कि तो मैस्ट्रोवेशन खराब है और मुझसे हो गया पाप और मैंने पिछले छह महीने से नहीं किया है लेकिन अब मैं आ, अब मेरा इलेक्शन ही नहीं होता भाई साहब देखो ऐसा है। खाना नहीं खाओगे तो एक बार के बाद भूख लगनी बंद हो जाती है वैसी ये चीज है सो जब आप कुछ चीज नहीं करना शुरू करते हो जब आप दिन में छह बार खाना खाते हो तो छह बार भूख लगती है दो बार खाना खाते हो दो बार जैसा आप बॉडी को ढालोगे वैसा तो ढल जाएगी वेरी सिंपल जब आप नो no फैप करते हो तो आपकी इच्छा भी कम हो जाती है पहले दूसरे दिन भूख ज्यादा लगती है उसके बाद कम हो जाती है सो दीज आर नॉट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दीज आर लाइफ स्टाइल इश्यूज विच यू हैव क्रिएटेड विच यू कैन सॉल्व ओनली यू नीड साइकोलॉजिकल काउंसिलिंग नो मेडिसिन दवा नहीं चाहिए आपको समझाना चाहिए कभी दोस्त समझा देता है कभी डॉक्टर समझा देता है लेकिन इस मामले में यह साइकोलॉजिकल है जी नहीं ज्यादा मैक्स्ट्रोवेट करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं हो जाता बिल्कुल नहीं होता ज्यादा खाना खाने से ज्यादा खाना खाने से आपका खाना खाने का जो सिस्टम है वो भूल तो नहीं जाते आप नहीं गैस हो सकती है ज्यादा खाना खाने से गैस हो सकती है ज्यादा खाना खाने से मोटे हो सकते हो ज्यादा खाना खाने से खाने का स्वाद खत्म हो सकता है यार अब मेरे मेरे को मजा नहीं को खाना खाना नहीं नहीं मजा आता बिल्कुल वैसे ही ज्यादा करने से इच्छा कम हो सकती है पर खाना खाना तो आप तब भी आएगा आपको इरेक्शन तो तब भी होगा मगर इमीडिएटली उसके बाद नहीं होगा पेट भर के खाने के बाद भूख नहीं लगती थोड़ा वक्त लगता है सेम फैक्टर यहां अप्लाई करता है कुछ समय लगता है वापस आपके इच्छा शक्ति को जागने में राइट right? और जब खाने की भूख लग रही है तब नहीं खाओगे बार बार ऐसी करोगे तो भूख भी लगना कम हो जाएगी ज्यादा खाना खाने से गैस हो सकती है वैसे ही ज्यादा मास्टरबेशन करने से इंजरी हो सकती है इंजरी हो सकती है वहां पर स्कार टिश्यू बन सकता है आपका टेढ़ा हो सकता है वो पॉसिबिलिटी है पॉसिबल है सबका होगा जरूरी नहीं है पॉसिबल है मगर इरेक्शन प्रॉब्लम नहीं होता बहुत सारे फंडे हैं इसमें जो आपको समझने जरूरी है बहुत सारी गलत धारणाएं हैं दुनिया में सो so, क्या है एक्चुअली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक्चुअल साइन सिम्टम जब आपके लाइफ में इच्छा है मौका है सब कुछ पॉजिटिव है फिर भी इरेक्शन नहीं हो रहा तब उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं ये नहीं कि आज तक आप मैदान में नहीं खेले सिर्फ घर में नेट प्रैक्टिस कर रहे हो और आप बोलोगे सर में से खेला नहीं जाता क्रिकेट मैदान में जाके एज अ अता सो जब तक आपकी एक्चुअल मैरिज नहीं होती तब तक हम ये नहीं कह सकते नहीं मेरे को इरेक्शन आएगा ही नहीं आएगा नहीं यू हैवेंट बीन एक्सपोज टू दैट इफ यू आर सीनारीक्चुअली एक्टिव तो अलग बात है किसी और कारणवश सो साइन ऑफ एक्चुअल साइन ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से ज्यादा जरूरी हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सा चीज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है तभी हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए जो बेसिक दवाइयां है सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ वाइगरा ले लो सिर्फ टेडालाफिल ले लो सिर्फ सियालिस ले लो उससे सब कुछ हो जाएगा नहीं सिर्फ आर्जिनिन ले लो सिर्फ सिट्रोलिन ले लो नहीं So उटर्सन को ऐसा क्यों हुआ व स्टोरी बिहाइंडिकल लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ मे बी उसड ले रखे थे पहले मे बी उस वजह से टेस्टोस्टिरोन कम हो गया मे बी उसको थारॉइड प्रॉब्लम हाइपोथाइरोड में वजन ज्यादा हो गया स्ट्रोजन बढ़ गया मे बी टेस्टोस्टिरोन एक्चुअली कम हो गया मे बी टेस्टिकुलर नेट्रोफी हो गई मे बी उनकी वहां पे टेस्टिक वेन है वेन में वेरिकोशील हो गया मे बी देर आर सो मेनी रीजन हमने ऑलरेडी बात की हुई है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के वीडियो में वॉट आर द कॉजेज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यहाँ बात हो रही है वॉट इज नॉट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यहाँ बात हो रही है डॉक्टर ठीक है मनोबल सबसे जरूरी है मनोबल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फीड योर बॉडी फूड वेन इट नीड्स भूख लग रही है तो खाना खाना जरूरी है दिन में नहीं तो कम से कम तीन दिन में एक बार तो खाना खाना जरूरी है टापू में भी जाओगे तो भूख तो लगेगी भूख लगेगी तो जिंदा रहने के लिए कभी ना कभी तो खाना पड़ेगा सेम थिंग सेम थिंग हियर फिजिकल नीड्स आपको बॉडी की पूरी करनी पड़ेगी एक उम्र के बाद फिजिकल नीड्स होती है और पूरी करनी पड़ती है जब मन होता है तब होना अगर नहीं करोगे तो क्या होगा फिजिकल नीड बंद हो जाएगी वेरी सिंपल फिर कभी भी फिजिकल नीड शुरू हो सकती है बिल्कुल हो सकती है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई मेजर बीमारी है सो so, यह हुई बात कि वट इज नॉट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई कभी एक्चुअल सेक्सुअल एक्सपोजर भी नहीं हुआ और पिछले कई महीनों से मैस्ट्रवेशन भी बंद कर रखा है मगर उन्हें लगता है उनको इरेक्शन होगा ही नहीं तो आते हैं दवा लेने फिर हम कहते दवा लेके करोगे क्या मैस्ट्रमेशन आपने करना नहीं है शादी हुई नहीं है तो फिर करोगी क्या दवा लेके क्या करोगे ये क्या बात है गिरी जब तक आपका सामने मैदान नहीं आता है जंग का मैदान नहीं आता है तलवार लेके क्या करोगे दैट इज दईडिया दैट इज दईडिया सो ये बातचीत हुई सो साइकोलॉजिकल पॉइंट पे ध्यान देना है राइट एंड इफ यू रियली फील दैट साइकोलॉजिकल मेरा ठीक है लेकिन फिर कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, ना, कुछ और प्रॉब्लम है देन वी गो टू अ डॉक्टर तब डॉक्टर के पास जाना है बात करनी है वही हम करते हैं फिर यही सारी हिस्ट्री निकाली जाती है और फिर इलाज किया जाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का काई वीडियो ऑन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड गिव यूज एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस कंडीशन राइट थैंक यू सो मच